धरती का बढ़ता रहा बुखार तो आएगा महाप्रलय। जी हाँ, 3 साल के गहन शोध और 1 हफ्ते तक दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में तमाम सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ मंथन और बहस के बाद आला वैज्ञानिकों ने ऐसी ही आशंका जाहिर की है। वैज्ञानिकों ने इसे आखिरी चेतावनी बताया है और इसे संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC ने रिपोर्ट की शक्ल में जारी किया है। इसमें कहा गया है कि खतरे को कम करने के लिए तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर रोकना होगा और इसके लिए अगले 12 साल यानी 2030 तक बहुत कुछ बदलना जरूरी है। लंदन में मौजूद PBC के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का के मुताबिक ये रिपोर्ट आगाह करती है कि स्थितियां नहीं बदली तो दुनिया के कई हिस्सों में हालात भयावह हो जाएंगे। अगर तापमान इसी हिसाब से बढ़ता गया तो जीना हराम हो जाएगा, खास तौर पर जो गरीब मुल्क है और टापू देश है और आर्कटिक में लोग रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। संकट में पूरी दुनिया। विशेषज्ञों का आकलन है कि मौजूदा रफ्तार बनी रही तो तापमान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। पर्यावरणविद कहते हैं कि रिपोर्ट में जिन खतरों का जिक्र है वो सामने दिख रहे हैं। जिस वक्त IPCC की रिपोर्ट जारी की गई तब दुनिया में सबसे ताकतवर समझे जाने वाला मुल्क अमेरिका माइकल तूफान से बचाव की कोशिश में जुटा था। इसके पहले सितंबर में आए फ्लोरेंस तूफान ने अमेरिका में लाखों लोगों को प्रभावित किया था और कुदरत का बदलता मूड दुनिया के हर देश को डरा रहा है। अमेरिका में हम देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी देख चुके हैं, यहाँ ब्रिटेन में इस बार इतनी गर्मी हुई कि यहाँ की घास राख बन गई। लोग इस बात से डर गए हैं कि यह स्थिति सब तरफ दिखने लगी है। लेकिन क्या ताकतवर देश वाकई डरे हुए हैं? साल 2015 में पेरिस में दुनिया भर के देशों में सहमति बनी जिसमें 21वीं शताब्दी के आखिर तक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने का लक्ष्य तय किया गया। लेकिन साल 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से किनारा कर लिया। ट्रंप ने चीन और भारत जैसे देशों का हवाला देते हुए समझौते की शर्तों पर सवाल उठाए। जब अमेरिका समझौते से बाहर निकल चुका है तो किसी न किसी को तो उसकी कमी पूरी ही करनी होगी। अरबों डॉलर होंगे खर्च। तापमान को 1.5 डिग्री से नीचे रखने की कोशिशों में दिक्कतें और भी हैं। वैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करने और जमीन के इस्तेमाल के तरीकों में बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। शहरों की जीवन शैली के साथ उद्योगों को चलाने के तरीके भी तब्दील करने होंगे क्योंकि सिर्फ कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने से स्थिति नहीं बदलेगी। आंखें बंद करना ठीक नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर बाधाओं की वजह से दुनिया अब आंखें बंद करके बैठेगी तो बाद में खर्च कई गुना बढ़ चुका होगा। तापमान बढ़ता रहा तो दुनिया के दोनों ध्रुवों पर बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज होगी, समंदर का जलस्तर बढ़ जाएगा। भारत के सामने भी कम खतरे नहीं। सोपान जोशी कहते हैं कि भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ा संकट पानी का होगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इस उपमहाद्वीप में बसती है और उसकी जान मानसून नाम के तोते में फंसी है। वैज्ञानिक बता चुके हैं कि मानसून में बारिश का ठर्रा बदल रहा है। अब रिमझिम बारिश के दिन कम हो रहे हैं, तेज बारिश के दिन बढ़ रहे हैं, यानी कम समय में ढेर सारा पानी गिर जाएगा जो आपके तालाब को नदी को भरने के बजाय बाढ़ का रूप लेगा। हम लगातार बाढ़ और सूखे का सामना करेंगे। ये कितना मुमकिन है इसका सही इशारा दिसंबर में तब मिलेगा जब दुनिया भर के देश पोलैंड में पेरिस समझौते की समीक्षा के लिए बैठेंगे। ग्रीन पीस की कैसा कुसोनन ऐसी ही समझ विकसित करने का आगाह करती हुई कहती है कि वैज्ञानिक शायद बड़े अक्षरों में लिखना चाहते हैं, एक्ट नाउ इडियट्स।
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।